दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PK एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जो कि चुनाव के पहले लागू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो मोदी सरकार ने अब उस पर संशोधन करते हुए अब छोटे बड़े सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना की जो 2000 रुपये की किस्तों में 6000 रुपये मिलने हैं पूरे साल में, तो वो छोटे बड़े सभी किसानों को दिया जाएगा। पहले वो लघु सीमांत किसानों को दिया जा रहा था, तो अभी सीमा को हटा दिया गया है। वो चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े, सबको प्रधानमंत्री किसान योजना किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। पूरी न्यूज़ क्या है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सरकारी योजनाओं को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए ये है न्यूज़, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी किसानों को मिलेंगे सालाना 6000 रुपये। पूरी न्यूज़ पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए देखिए, देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। वहीं 60 साल से ऊपर वाले किसानों को पेंशन का लाभ भी मिलेगा। तो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, इसके जस्ट बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी किसान पेंशन योजना के बारे में भी। केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। देखिए 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ इस योजना से। इस फैसले से देश भर के 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। पहले इस योजना में छोटे किसानों को लाया गया था जिनके पास 5 हेक्टेयर भूमि थी। अब इस योजना से इस नियम को हटा लिया गया है, यानी अब भूमि की कोई अनिवार्यता नहीं है। छोटे बड़े सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए 75,000 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ अंतरिम बजट में हुई घोषणा के मुताबिक अब तक 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों को सालाना 6000 रुपये की सम्मान निधि 3 किस्तों में मिलती थी। अब सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत आते थे पहले, जब लघु और सीमांत को केवल दिया जाता था, बड़े किसानों को नहीं दिया जाता था। अब 2 करोड़ और बड़े किसान भी जुड़ जाएंगे तो 14.5 करोड़ कुल किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 2 करोड़ किसान इस योजना से छूट रहे थे, अब यह सीमा खत्म कर दी गई है। पहले 12.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता था, अब 14 करोड़ किसान फायदा उठा सकेंगे। 87,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस बात की घोषणा मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों को दी। अभी तक 3.11 करोड़ छोटे किसानों को इस योजना के तहत 2000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है, ठीक है। और इस योजना को अंतरिम बजट में पेश किया गया था, वहीं 2.75 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त भी मिल चुकी है। अब ये 3000 रुपये की पेंशन, देखिए ये प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है। किसान सम्मान योजना के तहत 60 साल से ऊपर के किसानों को प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इससे भी उन किसानों को लाभ मिलेगा जो आगे किसी भी स्वास्थ्य कारणों के चलते खेती नहीं करते हैं। तो देखिए सरकार योजना की जो मुख्य बातें हैं कि सरकार ने फसलों का MSP लागत 1.5 गुना करने की घोषणा की है, और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6000 रुपये मिलेंगे। किसानों के खाते में 3 किस्तों में पैसे जाएंगे। इसका फायदा देश के 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। 1 दिसंबर 2018 से ये योजना पूरे देश में लागू हुई है। किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में मिल गई होगी। अगली जो वीडियो होगी उस पर हम प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि किसानों और कामगारों को पेंशन देने की बात सरकार ने कही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ स्कॉलरशिप और न्यूज़ से एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।